सुपर अस्पताल विधिवत तो नहीं चालू हुआ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर मरीजों को देखने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। एक ऐसा ही कीर्तिमान, जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया नहीं वो कीर्तिमान क्या है। डॉक्टर पुष्पेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा रीवा शहर में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, किस तरीके से एक ऐसा शतक लगाया है जो आज तक लोग नहीं लगा पाए थे, उस शतक के बारे में वो अपने से बताएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। अभी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी ने करीब 100 से ज़्यादा सर्जरी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने अकेले नहीं, मेरे साथी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक शर्मा, सर्जरी डिपार्टमेंट की पूरी टीम और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग रहा। साथ ही हमारे जो सिस्टर हैं और वार्ड बॉय, जो कि नई टेक्निक थी लेकिन उनको अच्छी तरह से पिक किया है और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जो हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, बेसिकली ये एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जैसे पहले जो किडनी के ऑपरेशन होते थे या जो पथरी के ऑपरेशन होते थे उसमें 10 या 12 सेंटीमीटर का चीरा लगता था, तब जाके वो पथरी निकलती थी। अब हम लोग PCNL, जो कि एक छोटा सा चेंज, जो कि सामान्यतः 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम का होता है, उसके थ्रू एक दूरबीन डाल के पथरी को तोड़ तोड़ के निकालते हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और पेशेंट के चीरे बहुत छोटे लगते हैं और उनको दर्द कम होता है। इसी तरह प्रोस्टेट ब्लैडर के कैंसर की जो दूरबीन द्वारा सर्जरी है वो भी यहाँ काफ़ी मात्रा में की जा चुकी है, जो ये हमारे 100 केसेस हैं। साथ ही हमारे अभी भी वार्ड में कुछ ऐसे पेशेंट एडमिट हैं जो कि नागपुर में दिखा के आए थे, किसी कारण से वहाँ नहीं हो पाया, उनकी हमने सर्जरी की और उनको बाद में जान के बहुत खुशी हुई कि जिस सर्जरी के लिए उनको उतनी दूर जाना पड़ा था वो रीवा में उपलब्ध है। और इसी तरह के खुश मरीज अभी हमारे वार्ड में भी है। हम लोग किडनी से संबंधित कैंसर, तो ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हमारी टीम ट्रेन हो रही है और हम हर प्रकार की सुविधा जो एज ए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हम रीवा शहर के मरीजों को, आसपास के मरीजों को दे सकें, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया, नागपुर से लौट कर आने वाले पेशेंट जिनको नागपुर में मना कर दिया गया था कि आपका इलाज उतना बेहतर तरीके से यहाँ नहीं होगा, आप किसी और बड़े महानगर की और रुक कर, उसका इलाज इस सुपर अस्पताल में उन्होंने अपनी टीम के साथ कर दिया है और वो लगभग सब के सब लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ है रीवा शहर और आसपास के उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है जो आए दिनों नागपुर की ओर ड्रिफ्ट करते थे अपने इलाज के, उनको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से वहाँ ना जाने से उनके पैसे बचेंगे, तमाम तरीके की उनको परेशानियाँ बचेंगी। इस तरीके से सुपर अस्पताल ने एक और ऐसा कारनामा कर दिया जिसके लिए सुपर अस्पताल को एक बार फिर से बधाई दी। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये कोई बधाई देने की बात नहीं है, लेकिन आज के दौर में जिस तरीके का पॉल्यूशन और वातावरण है उसको देखकर ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही उस तरीके से इलाज भी अब रीवा में संभव हो गया है, ये अच्छी खबर रीवा के। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।